अवक्तयम् अचिन्तयम् अविकार्ययम् उच्यते तस्मातेवं विदित्वैनं न अनुसोचितुम् अहरसि। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारी आंखें भौतिक शक्ति से बनी हैं और केवल सांसारिक विषयों का ही अवलोकन कर सकती हैं, क्योंकि आत्मा दिव्य है और भौतिक शक्तियों के क्षेत्र से परे है, इसलिए यह हमारी आँखों के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने कई बार आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने मरणासन्न व्यक्ति को शीशे के बक्से में रखा है और चारों ओर से उसे सील कर दिया, ताकि वे जान सकें कि शरीर त्यागने पर आत्मा के प्रस्थान करने पर क्या बक्सा टूट जाएगा। किंतु आत्मा बक्सा तोड़े बिना शरीर से बाहर निकल गई। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अपनी गतिशीलता के लिए भौतिक शरीर या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है कि भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। जिस प्रकार पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है, इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। अतः आत्मा को जानने के लिए आंतरिक ज्ञान आवश्यक है, जो केवल धर्म ग्रंथों और गुरु द्वारा सुलभ है।